सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस ढंग से हम अपनी जन्म तिथि में या फिर अपने नाम में या फिर अपने माता पिता के नाम में संशोधन करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, यदि आपको जैसे आपकी जन्म तिथि में संशोधन करवाना है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जन्म तिथि के अंदर संशोधन वाला है, पूरा कॉलम है। उसके बाद में अगर आप स्वयं के नाम में संशोधन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, और अगर आप अपने माता पिता के नाम में संशोधन करवाना चाहते हैं तो क्या क्या देना पड़ेगा। तो सारी जानकारी मैं डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और कई ऐसे छात्र होते हैं जिनके इस टाइप के संशोधन करवाने पड़ते हैं। तो देखिए, जैसे जन्म तिथि में आपको संशोधन करवाना है, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो आपको 50 रुपये का शपथ पत्र देना पड़ेगा अपने माता पिता के नाम से, ओके। उसके बाद में आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिसमें आपकी जन्म तिथि हो और वो जन्म तिथि आप करवाना चाहते हैं। उसके बाद में दो पड़ोसियों के शपथ पत्र। चौथा पॉइंट है कि परिवार विवरण राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड की आपको फोटो प्रति लगानी होगी। भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेज। भामाशाह कार्ड अब नाम चेंज के हो गया है, जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड लगेगा, और इसमें आपका नाम होना चाहिए। यानी जिस छात्र का आप जन्म तिथि में संशोधन करवाना चाहते हैं तो उस छात्र का उसके अंदर नाम होना चाहिए, ओके। फिर पांचवा है संतान संबंधी विवरण का शपथ पत्र लगेगा। छठा है छात्र अध्ययनरत ऐसा रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, यानी स्कूल के अंदर जो स्कॉलर रजिस्टर चलता है उसकी, छात्र का जो भी एंट्री है उसका आपको फोटोकॉपी लगेगी। फिर मार्कशीट प्रगति पत्र की प्रति, आपकी मार्कशीट लगेगी। फिर प्रथम प्रवेश की प्रमाणित प्रति, यानी जब एडमिशन लिया तो उसकी प्रमाणित प्रति। और संस्था प्रधान का अभिशंसा सहित अग्रेषण पत्र, यानी आपके संस्था प्रधान द्वारा जो भी अभिशंसा की गई है वो आपके पत्र लगेगा। और दसवां पॉइंट है टीसी कक्षा 1 से अंतिम अध्ययनरत तक की, यानी आप पहली से, जैसे किसी स्कूल में 5वीं तक पढ़े तो उसकी टीसी लगेगी 5वीं कक्षा की, ओके। तो ये तो सभी आपके जन्म तिथि में अगर संशोधन करवाना है तो ये दस्तावेज लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप अपने स्वयं के नाम में संशोधन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको 50 रुपये का शपथ पत्र अपने माता पिता के नाम से श्रीमान उपखंड अधिकारी की अभिशंसा सहित। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको किसका अभिशंसा चाहिए थी, सिर्फ आपको संस्था प्रधान की अभिशंसा, यहाँ पे आपको उपखंड अधिकारी की अभिशंसा चाहिए। फिर परिवार विवरण राशन कार्ड और भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेज, यानी वही आपको जन आधार कार्ड और राशन कार्ड लगेगा। फिर दो पड़ोसी गवाहों के शपथ पत्र, छात्र माता पिता का आधार कार्ड की प्रति, यानी जिस छात्र के नाम में संशोधन करवाना है उसके माता पिता का आधार कार्ड लगेगा। फिर छात्र अध्ययनरत ऐसा रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, वही स्कॉलर रजिस्टर की फोटोकॉपी। मार्कशीट प्रगति पत्र, प्रथम प्रवेश की प्रमाणित प्रति, और अधिकृत समाचार पत्र में नाम परिवर्तन हेतु समाचार की प्रति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी आपको समाचार पत्र में अपना नाम परिवर्तन करने की आपको पर्ची लगानी पड़ेगी, जिसमें आप चाहते हैं कि इस नाम से जो भी नाम आप चेंज करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल वहां पे उल्लेख होना चाहिए। फिर संस्था प्रधान का अभिशंसा सहित अग्रेषण पत्र। तो ये अगर आपके पास दस्तावेज है तो आराम से आपके नाम में संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता में नाम में कोई संशोधन करवाना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए देखिए 50 रुपये का शपथ पत्र माता पिता के नाम से, वही श्रीमान उपखंड अधिकारी की अभिशंसा सहित। फिर परिवार वितरण राशन कार्ड और भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेज। दो पड़ोसी गवाहों के शपथ पत्र, छात्र माता पिता का आधार कार्ड की प्रति, छात्र अध्ययनरत ऐसा रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, और मार्कशीट की प्रगति पत्र, मार्कशीट यानी वही प्रगति पत्र की प्रति, और प्रथम प्रवेश का प्रमाणित प्रति, और अधिकृत समाचार पत्र में नाम परिवर्तन हेतु समाचार की प्रति। यहाँ पर भी वही आपको पेपर में देना होगा नाम परिवर्तन का, और संस्था प्रधान का अभिशंसा सहित अग्रेषण पत्र। तो ये अगर आपके पास में दस्तावेज पूरे हैं तो आप अपने नाम में, अपने माता पिता के नाम में और जन्म तिथि में संशोधन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अधिक से अधिक इसको शेयर करना, ताकि हो सकता है किसी के इस प्रकार का संशोधन करवाना हो और उसको जानकारी ना हो तो उसके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए और भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।